बराबर शिनानी टनल तक समझो, ये पीछे लाइन है, उधमपुर से जो गाड़ी आ रही है। दिस इज माई चाइल्डहुड प्लेस, यादें जुड़ी हुई है। गुड आफ्टरनून गाइज, क्या हाल चाल। सबसे पहले आप टाइम देखिए, अपना टाइम हो रहा है जी 2 बज रहे हैं, ठीक है, 2:15 हो रहे हैं और 2:45 बजे अपना व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, कल के व्लॉग मैंने आपको बोला था कि मैं कल कहीं जा रहा हूँ, तो बने रही व्लॉग के साथ। तो जी आज वो व्लॉग आ गया है, तो देखते रहो आगे आगे क्या होता है और मैं कहाँ पर हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अपने ससुराल में था, ससुराल से मैं सुबह ही आ गया हूँ और इस टाइम आपको मैंने टाइम दिखा दिया है, 2 बज रहे हैं। 2 बजे अपना व्लॉग मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ससुराल से निकलते समय वहाँ से मैं व्लॉग शुरू नहीं कर पाया, क्योंकि गाइज वहाँ पे साथ में फिर साथ निकलते हैं, सारे आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, उस टाइम व्लॉग बनाना। तो वहाँ से निकल गया मैं, इस टाइम पे मैं हूँ उधमपुर में, ठीक है, अपने घर में हूँ मैं इस टाइम। तो जी यहाँ पे मैं इस रीज़न से आया हूँ क्योंकि 4-5 महीने हो गए यहाँ पर ऐसे ही बंद था, तो नज़र वज़र मारने के लिए, सारा देखने के लिए। तो मैंने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ अच्छे से हो गया, अपना चेंज वगैरह भी मैंने पहले ही कर दिया था, आते आते पहले मैंने चेंज कर दिया। तो लाइट नहीं है और गर्मी इतनी ज़्यादा है गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गुम पड़ रहे हैं, गुम बोलते हैं, ना हवा ना कुछ और सिर्फ गर्मी, उसको गुम बोलते हैं, सिर्फ पसीना निकलता है, बस ऐसी गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो करते हैं अपना व्लॉग शुरू, अगर चैनल पे नए हैं डू सब्सक्राइब द चैनल, देखते रहो। आज मैं वापस जा रहा हूँ, ठीक है, मैं वापस ही जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे रुकूँगा नहीं। मैंने आज असल में घर चले जाना था सीधा, मगर मैं गया नहीं, मैं यहाँ उधमपुर पे आया। तो यहाँ पे मैंने अपना, जैसे मैंने आपको बोल दिया, यहाँ पर सारा देख लिया मैंने, तो यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। तो थोड़ा सा सामान भी लेना है मैंने घर कश्मीर की ओर, ठीक है, तो मैं आज ही निकल रहा हूँ, कम से कम 3-4 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो जी बता दूँ मैं किसके साथ जा रहा हूँ, क्योंकि 4 बज रहे हैं, फिर मैं लेट हो जाएगा, रात को कहाँ रहूँगा क्या होगा। तो बता दूँ आपको, मैं जा रहा हूँ एजाज के साथ, ठीक है। एजाज इस टाइम उधमपुर में ही है, नाके के पास है, वो बस गाड़ियाँ 3-4 बजे छोड़ देंगे, तो अपना सामान जो होगा मैं गाड़ी में डाल के तो उसी के साथ चला जाऊँगा, ठीक है। तो करते हैं अपना व्लॉग शुरू, चैनल पे नए हैं डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हर रोज़ एक नया व्लॉग आपके लेके आता रहता हूँ और आपके सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल थोड़ा ग्रो होगा। तो चले गाइस, तीसरी बार बोल रहा हूँ, अपना व्लॉग शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है सारा कुछ देख लिया है, ये देखिए इस टाइम आपको यहाँ पे बंद ही दिखेगा, ये सामान जो है हमने घर लेना है, ये कुछ ड्रिल वगैरह है और ये छोटा मोटा सामान है, ये हमने घर लेना है। तो फिलहाल मैं अपना एक काम करते हैं, मैं पहले जाऊँगा नानी के घर, हमारे बस इस घर के अपोजिट साइड में नानी का घर है, पहले मैं वहाँ जाऊँगा, नानी को सलाम करके वापस आऊँगा। तो फिर देखते हैं जो होगा, मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। मैं कश्मीर पहुँचता हूँ आज, नहीं पहुँचता हूँ आपको पता चल जाएगा। तो जी हम चलते हैं पहले नानी के घर में। तो जी आ गए हम अपने नानी के घर से होके, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। तो अभी चलते हैं घर पे, लाइट वाइट देखते हैं क्या है क्या नहीं है, तो छोटा मोटा जो रह गया होगा वो भी देख लेते हैं। तो जी क्योंकि एजाज आ रहा है और बस पहुंचने वाला है, मैं घर से निकल के अपना सामान वगैरह जो है, ये देखिए, ठीक है, ये कूलर वगैरह है इसमें, तो ये हम घर ले जाएंगे क्योंकि एजाज आ रहा है, तो हमने सीधा घर जाना है। तो अभी ऊपर आया हूँ मैं अपने रोड के पास, तो गाड़ियाँ छोड़ दी हैं, तो सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले ही चढ़ा देता हूँ। तो अभी खाना वाना नहीं खाया है, खाना खाऊंगा मैं नानी जी के घर, खाना तो नहीं था मगर उन्होंने छोड़ा नहीं, बोला खाना यहाँ ही खाना है, बहुत देर के बाद आए हो। तो फिलहाल यहाँ से सामान ऊपर चढ़ा देता हूँ, इधर आगे ढाबा है, इसके साथ अच्छी जान पहचान है, तो सामान यहाँ पर छोड़ते हैं, फिर वापस चलते हैं, तो फिर वापस ऊपर आएंगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो जी ये देखिए, ये गाड़ियाँ छोड़ दी हैं इधर से, ये देखो ये ट्रक दिख रहे होंगे, ये जिखानी नाके से जस्ट अभी छोड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं अपना सामान जो है यहाँ पे रख दूँगा, ओके। तो जी सामान रख दिया मैंने और एजाज भी आने वाला है, फटाफट से घर चलता हूँ, लॉक शॉक करता हूँ, खाना छाना खाता हूँ और निकलते हैं कश्मीर की ओर। तो जी नानी के घर में हूँ इस टाइम, खाना चाना डाल दिया है
ठीक है। और साथ में इधर कूलर के बगैर कोई काम नहीं, देखो कूलर कैसे लगाते हैं इधर घर के बाहर, तो बाहर की ताज़ी हवा जो है वो अंदर आती है तो पसीने से बच जाता है इंसान, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं पहले, ठीक है। खुदा के हवाले से। हाँ जी, तो जी आ गए हम अपने घर पे। और यार आज ना बहुत दिनों के बाद अपने नानी के घर में खाना खाया, तो यार बचपन की याद आ गई मेरे को आज भाई गढ़। तो जी अभी फ़िलहाल एजाज को फ़ोन किया मैंने, बोलता अभी गाड़ियाँ नहीं छोड़ी हैं, तो मैं यार जल्द जल्दी कर रहा था क्योंकि मैं सोच रहा फिर गाड़ी जब आ जाए उस टाइम फिर, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो जल्द जल्दी कर रहा था अपनी तरफ से। तो जी यहाँ से निकलने से पहले मैं आपको यहाँ की जगह दिखा देता हूँ। ये देखिए यार कितनी प्यारी जगह है, जगह ये मेरे को प्यारी लगेगी क्योंकि ये जो यहाँ का पानी है ना, ये कुआँ है यहाँ का, ठीक है। और इस कुएँ से, इतना बड़ा कुआँ नहीं है, इसको यहाँ पे ना बोली बोलते हैं जहाँ पे नेचुरल पानी निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी मोहल्ले वाले हैं यहाँ से पानी लेते हैं क्योंकि ये नेचुरल पानी है, ये ठंडा रहता है। देखिए इसके बाहर ना पसीना पसीना जैसा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये बहुत ठंडा पानी रहता है क्योंकि नेचुरल पानी है, ठीक है। तो इस कुएं के साथ यार, इस बोली के साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। जब यहाँ पे छोटा होता था तो यहाँ पे आके नहाता था मैं तो यहाँ पे ना इस जगह की बहुत यादें जुड़ी हुई है मेरी। तो आजकल तो इधर से ऊपर देखिए ये फ्लाईओवर बन गया है, यह N44 है, ठीक है। तो जब भी उधमपुर से निकलोगे तो मेरे को याद करना, इस फ्लाईओवर के नीचे एक बोली भी है, ठीक है। तो जी यहाँ से पानी की बोतल भरने के लिए आया था मैं, तो पानी की बोतल भर के एजाज भी वहाँ से निकल गया है, और बस अभी पानी भर के और हम निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। पानी की बोतल हमने भर दी है, ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं। ये तो अभी अभी यहाँ पे जाली वगैरह लगाई हुई है, पहले ये खुला हुआ करता था यहाँ पे, अब तो यहाँ पे बंद हो गया है क्योंकि कोई जानवर वगैरह पानी पीते थे, पानी गंदा हो जाता था, तो अब ये बिल्कुल साफ़ है यहाँ पे। और ये देखिए ये पीपल का पेड़ है, ये वाला पेड़ जो दिख रहा है ना आपको, ये पीपल का पेड़ है। और यार बचपन पे, बचपन छोटा होता था यार 4-5 साल का, यहाँ पे आके हम बैठते, यहाँ पे पत्थर हुआ करते थे, यहाँ पे बैठते थे हम, ये बचपन की यादें हैं। और ये छोटा सा पेड़ जो दिख रहा है आपको, छोटा नहीं है बड़ा ही है, ये बेरी का पेड़ है, ठीक है। दिस इज़ माई चाइल्डहुड प्लेस, यादें जुड़ी हुई है। बिल्ली वो देखो कहाँ बैठी और कैसे देख रही है। बचपन याद आ जाता है यार, जब आप किसी बचपन में खेल रहे होते हैं ना, बचपन जहाँ निकला होता है आपका, फिर उस गलियों से आप निकलोगे खाली तो आपको बचपन याद आ ही जाएगा। अब तो बड़े हो गए यार, अब तो दाढ़ी मूछ आ गई, बड़े हो गए अब। तो जी हमारा एजाज भाई आ गया है, सामान बहुत ज़्यादा है, चलो भाई रख दिया ऊपर हमने सामान। यार वो गद्दे पड़े वो भी रख देते ऊपर ही, ये अंदर गद्दे पड़े ना जो ले आता ऊपर है ना। हो गए जी हमारे गद्दे भी ऊपर, ये देखो यार सामान कहाँ रखा है। चलो 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 जल्दी 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 जल्दी। तो जी निकल गए हम यहाँ से, और अपना एजाज भाई, एजाज भाई ये रहा भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। तो जी कमेंट्स भी आ रहे थे हमारा एजाज भाई कहाँ पर, एजाज भाई को लाओ कमेंट में। तो ये है भाई हमारा एजाज भाई, ठीक है। 4 महीने के बाद मिल गए, आज 4 महीने के बाद मिल गए भाई, सही बात है। तो जी हम इस टाइम बता दूँ हम चिरैनी पहुँच गए हैं, और इस टाइम जैम जो है मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। मगर गाड़ी आस्ते आस्ते जो है चलते जा रही है, तो अभी टेंशन नहीं है क्योंकि गाड़ी में आगे है, अगर थोड़ा लेट भी हो जाएगा कोई बात नहीं। तो क्योंकि हमारा एजाज भाई हमारे साथ साथ है, अभी गप्पे शप्पे मार रहे थे हम तो मस्त तरीके से, ठीक है। तो जी सबसे पहले आप टाइम देख लो यार, टाइम इज़ 7:11, 7:10 समझ लो,
तो अभी हम इस टाइम इजाज़ भाई इस टाइम कहाँ पर है? हम चिनैनी थोड़ा सा आगे पहुँच गए, हम चिनैनी क्रॉस कर दिए हैं, ठीक है, नाशी टेम्पल के पास पहुँचने वाले हैं। तो जैम गाइस कितना ज़्यादा है। एजाज भाई ज़रा मोबाइल को पकड़ के आगे जैम दिखाना, कितना जैम है वो बाहर से निकाल के। बराबर चिनैनी टनल तक समझो, हाँ ये पीछे लाइन है, उधमपुर से जो गाड़ी आ रही है। जी जैसे कि आपने देखा ट्रैफिक जैम जो है कितना लंबा है, कम से कम अभी हम यहाँ से नाशी टनल से कम मेरे को लगता है 3-4 किलोमीटर पीछे हैं, हमें ना पहले पीछे है ना 3-4 किलोमीटर। तो यहाँ से लेकर आगे एजाज भाई ने फ़ोन किया है क्योंकि इनका कॉन्टैक्ट जो होता है ड्राइवरों के साथ पूरा होता है। तो आगे एजाज भाई ने अभी फ़ोन किया, बोलता है क्या बात है आगे क्या हाल चाल है। तो बोला भाई पूरा जैम, पूरा चक्का जाम है, पूरा बंद। तो जी एजाज भाई ने बोला फ़िलहाल आप यहाँ पर, मैंने अपना दूध वगैरह जो है सब कुछ इन्होंने सिस्टम रखा होता है, जैसे आपको इससे पहले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था जब हम बनारस गए थे। हाँ तो अभी एजाज भाई ने ये दूध रखा हुआ है, ये टेट्रा पैक का दूध है, ठीक है। तो साथ में कॉफ़ी भी है, चीनी भी है। तो एजाज भाई ने बोला भाई कॉफ़ी बनाते हैं हम। तो फिलहाल अभी गैस के ऊपर रख दिया है हमने दूध वगैरह, तो कॉफ़ी शॉफी बनाते हैं और पसीना जो है जम के निकल रहा है एजाज भाई। बिल्कुल सही बात है, गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है भाई। तो इस टाइम फिलहाल गाड़ी रुकी हुई है, हाँ ट्रैफिक जैम बहुत है। तो जैसे निकलेंगे भाई आइसक्रीम है चलो चलो रहना था, कॉफ़ी पियेंगे। तो जी कॉफ़ी अपनी चल रही है और बस ख़त्म होने वाली है, देसी कॉफ़ी है, ठीक है। और गाड़ियाँ जो है आराम से निकल गई, नाशी टनल के पास पहुँच गए हम। तो यहाँ से ट्रैफिक जो है बिल्कुल ठीक चल रहा है, अब टेंशन नहीं है। ये देखिए कितना जाम है, कर दिया जी हमने नाशी टनल एंटर। और इस टाइम हो रहे हैं जी 8 बज रहे हैं, बाहर बिल्कुल अंधेरा है और अंदर रोशनी देखो यार। तो जी हम इस टाइम पहुंच गए हैं पीड़ा में और छोटा मोटा ढाबा दिखा है यहाँ पर, तो हम वेस्ट ढाबे में ही रुके हैं, हम दाल फुल्का खाएंगे। तो तब तक मैं अपना फ़ोन जो है चार्ज में जा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी में चार्जर नहीं है यार। तो फटाफट से हाथ हाथ धोते हैं और खाना खाते हैं। ये देखिए जी ये है अनारदाने की चटनी और प्याज, ठीक है, यही वही अनारदाना जो हमें आप कल दिखा रहा था पीड़ा में। और ये है जी राजमा चावल घी मार के, ठीक है। तो करते हैं बिस्मिल्लाह।